बच्चों, कैसे आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं अगले विटामिन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन बी1 के बारे में। हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं अगले विटामिन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन बी1 के बारे में, जिसका नाम था थायामिन। हम लोग बढ़ते हैं इससे अगले विटामिन पे। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो अगला विटामिन है हमारा, उसका नाम है विटामिन B2। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, और इसको एक और नाम से जानते हैं, येलो एंजाइम। ठीक है, तो इतना आपको याद करने वाला पोर्शन हो गया। आगे देखते हैं, गिव्स येलो कलर टू द काऊ मिल्क। ठीक है, गिव्स मतलब देता है, येलो कलर मतलब पीला कलर देता है काऊ मिल्क, जो गाय का दूध होता है उसे जो एंजाइम होता है पीला कलर देता है, जिसको हम लैक्टोफ्लेविन के टर्म मतलब सॉरी लैक्टोफ्लेविन टर्म की वजह से जानते हैं। इसको पूरे लाइन को हम लोग लैक्टोफ्लेविन कह सकते हैं, कि जो काऊ का येलो कलर होता है वो विटामिन B2 की वजह से होता है। ठीक है, डिफिशेंसी डिजीज, बच्चों इसमें जो सोर्स होता है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें डिफिशेंसी डिजीज आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रैकिंग मतलब कटना या फटना। आगे देखते हैं, तरह तरह की इसमें बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो देखते हैं, जो पहली बीमारी है बच्चों इसमें हमारा, वो है किलोसिस। ठीक है, किलोसिस में होता क्या बच्चों? जो किलोसिस होता है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ लिप्स, स्प्लिटिंग मतलब होता है तो फटना, ऑफ मतलब का लिप्स, यानी जो आपके ओट हैं लिप्स मतलब ओट, वो फट जाते हैं इसमें, अगर विटामिन B2 की कमी आपके अंदर होती है तो। अगला बीमारी है बच्चों ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में क्या होता है बच्चों? कटिंग ऑफ टंग, कटिंग मतलब कट जाता है, ऑफ मतलब का टंग, जो आपका जीव होता है इसमें कट लग जाते हैं ढेर सारे, अगर आप में विटामिन B2 की कमी होती है। अगला देखते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब बच्चों, अगर डर्म से कहीं इस भी रिलेटेड वर्ड आए, डर्मा या डर्मेटाइटिस, तो स्किन से रिलेटेड हो गया, यानी स्किन डिजीज आपको हो जाएगी विटामिन B2 की कमी से। अगला देखते हैं बच्चों फोटोफोबिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोफोबिया। ठीक है बच्चों, फियरिंग, ध्यान से देखेंगे, अब विटामिन B2 की कमी से आपको फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे हाइट का फोटोफोबिया, वाटर का फोटोफोबिया, नाइट का फोटोफोबिया। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग तरीके से फोटोफोबिया होते हैं, अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइप के फोटोफोबिक होते हैं। तो ये फोटोफोबिया का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों फियरिंग, फियरिंग मतलब डर। ठीक है, अब वो या तो आपको ऊंचाई से ज़्यादा डर लगे, या तो पानी से ज़्यादा डर लगे, या तो अंधेरे से ज़्यादा डर लगे, अगर आपको विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले विटामिन्स में। थैंक यू बच्चों।